आरजे शो में आप हैं अशोक हमराही के साथ। रुपहले पर्दे की दिलकश अदाकारा साधना शिवदासानी, स्टाइल आइकॉन अभिनेत्री साधना। अब और ना कुछ भी याद रहा। रुपहले पर्दे की इस दिलकश अदाकारा साधना शिवदासानी का जन्म हुआ था कराची में 2 सितंबर 1947 में। 1947 में उनका परिवार आ गया मुंबई। यहाँ पर वो नृत्य सीखा करती थी एक डांस स्कूल में। एक दिन वहीं राज कपूर की फिल्म के ग्रुप डांस में लड़कियों की तलाश में पहुंचे एक डांस डायरेक्टर और वो फिल्म मिली साधना को। ग्रुप डांसर के रूप में उसमें उन्होंने भाग लिया। वो फिल्म थी श्री 420। गीत था मुड़ मुड़ के ना देख और वो साल था 1955। फिल्म रिलीज हुई। सहेलियों के साथ साधना फिल्म देखने पहुंची। बड़े ध्यान से उन्होंने वो गाना देखा। कोरस डांसर थी वो साधना, इसलिए बहुत ज्यादा तो वो नजर नहीं आई। उनकी आंखें डबडबा आई इस छोटे से रोल से। लेकिन ये संयोग ही रहा कि साधना ने राज कपूर के साथ वो फिल्म की और फिर 8 साल बाद वो हीरो बनी साधना के दुल्हा दुल्हन फिल्म में। और पर्दे पर साधना ने कुछ यूं कहा। हमने तुझको क्या और किया है जितना, कौन करेगा इतना। बात 1958 की है। साधना को भारत की सिंधी फिल्म अबाणा में काम करने का मौका मिला। वर्ष 1960 में साधना की पहली हिंदी फिल्म रिलीज हुई लव इन शिमला। हीरो थे जया मुखर्जी और निर्देशक थे आर के नैयर। 1960 में बिमल राय की फिल्म परख में मोतीलाल के साथ साधना अहम भूमिका में थी। 1961 में आई फिल्म हम दोनों, उसमें वो देवानंद के साथ थी। 1962 में असली नकली फिल्म में वो एक बार फिर देवानंद के साथ थी। एक और फिल्म आई थी देवानंद के साथ 1966 में, साजन की गलियां। लेकिन किन्हीं कारणों से वो थिएटर तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन हाँ, देवानंद और साधना पर फिल्माया गया गीत 1982 में रिलीज किया गया। 1962 में साधना की और 3 हिट फिल्में आई, शशि कपूर के साथ प्रेम पत्र, किशोर कुमार के साथ मनमोजी और जया मुखर्जी के साथ फिल्म आई एक मुसाफिर एक हसीना। मेरे महबूब फिल्म 1963 में आई थी और इस फिल्म में साधना नजर आई राजेंद्र कुमार के साथ। ये रोल जो साधना ने किया फिल्म में वो निम्मी करने वाली थी, लेकिन निम्मी ने साधना वाला रोल न करके इसी फिल्म में दूसरा रोल किया जो था राजेंद्र कुमार की बहन का। फिलहाल ये फिल्म बहुत बहुत कामयाब हुई। गाने भी और साधना भी काफी लोकप्रिय हुई इस फिल्म से। लेकिन हाँ, एक फिल्म जो आई थी इसके बाद 1964 में, उसका जिक्र तो बहुत ही जरूरी है। मनोज कुमार के साथ वो फिल्म आई थी और हाँ, इस फिल्म में भी इस रोल के लिए पहले निम्मी को लिया जाने वाला था, लेकिन निम्मी की जगह आ गई साधना। दोहरी भूमिका इस फिल्म में, सफेद साड़ी पहले महिला भूत का किरदार निभाया था साधना ने। लाजवाब अभिनय के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए उन्हें फिल्म फेयर के लिए नामांकन भी मिला। क्लासिक फिल्म वो कौन थी जिसमें साधना की मुस्कान रहस्य और रोमांच से भरपूर, रहस्यमय मुस्कान के दर्शक दीवाने हो गए और इस मुस्कान के साथ साधना को शो टॉट भी कहा गया। आरजे शो में आप हैं अशोक हमराही के साथ। साधना जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की और हर फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय का जलवा दिखाया। याद होगा आपको 1964 में एक फिल्म आई थी राजकुमार और इस फिल्म में उनके हीरो थे शम्मी कपूर। फिल्म के गाने तो हिट हुए ही, साथ ही साथ साधना के अभिनय को भी सराहना मिली। साधना जिन्होंने 1964 में गुरु दत्त के साथ भी एक फिल्म की थी जिसका नाम था पिकनिक, लेकिन 10 अक्टूबर 1964 को गुरु दत्त के निधन से ये फिल्म अधूरी रह गई। लगभग 50% फिल्म की शूटिंग ही हो पाई थी। हालांकि फिल्म के कुछ गाने रिकॉर्ड हो चुके थे, कुछ की शूटिंग भी हो चुकी थी जिन्हें बाद में रिलीज किया गया। आप हैं अशोक हमराही के साथ। आज हम बात कर रहे हैं स्टाइल आइकन साधना की, दिलकश अदाकारा साधना, जिनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने जब जो भी पहन लिया, उन्होंने जिस तरह की वेशभूषा बनाई, उन्होंने जो रंग चुना या उन्होंने बालों की जो स्टाइल बनाई वो सब फैशन बन गया। 1965 में एक फिल्म आई थी वक्त, साधना के करियर की बहुत बहुत सुपरहिट ये फिल्म थी। इसमें चूड़ीदार, तंग चूड़ीदार पजामा पहना था साधना ने, कुर्ता पहना था और संभवतः इससे पहले किसी भी हीरोइन ने इतना तंग चूड़ीदार कुर्ता पजामा नहीं पहना था।
लेकिन जब उन्होंने पहना तो ये स्टाइल बन गया, फैशन बन गया। और हाँ, उनके हेयर कट की तरह ये परिधान फैशन आइकॉन की तरह मशहूर हो गया। ऐसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साधना। जब साधना का जिक्र होता है, उनकी फिल्मों का जिक्र होता है, तो कुछ ऐसा होता है हर दिल हर चेहरे पर। आरजे शो में आप हैं अशोक हमराही के साथ। साधना, जिनके लिए एक और कामयाबी का साल आया 1965, और इस साल रिलीज हुई फिल्म रामानंद सागर की आरजू। और इस फिल्म ने तो तहलका मचाया ही, साथ ही साथ लता मंगेशकर के गाए हुए गीत ने भी कम तहलका नहीं मचाया। साधना ने सुनील दत्त के साथ 1966 में मेरा साया और 1967 में मनोज कुमार के साथ अनीता फिल्में की। इन दोनों ही रहस्यमयी फिल्मों में साधना दोहरी भूमिका में थी। फिल्म मेरा साया का थीम सॉन्ग तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा और दूसरा गाना नो में बदरा छाए, इन गीतों ने दिल को छुआ है हमेशा। 1966 में एक बार फिर साधना ने शमी कपूर के साथ फिल्म की बदतमीज। इसी साल वो नजर आई सुनील दत्त के साथ ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गबन में। 1968 में साधना ने उड़िया फिल्म की थी स्त्री, और शीर्ष करियर पर ही बीमारी ने उन्हें घेर लिया। थायराइड की शिकायत हो गई उन्हें, उसके इलाज के लिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। वहां से लौटी 1969 में और शमी कपूर और संजीव कुमार के साथ फिल्म की सच्चाई। ये फिल्म भी काफी हिट रही और ये गाना भी काफी मशहूर हुआ। 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन। सचमुच प्यार के 2-4 दिन 2-4 पल भी बहुत खूब होते हैं। साधना ने फिल्में करनी कम कर दी थी। 1970 में धर्मेंद्र और विश्वजीत के साथ की इश्क पर जोर नहीं, 1971 में राजेंद्र कुमार के साथ आप आए बहार आई, राजेश खन्ना के साथ 1972 में दिल दौलत दुनिया, 1973 में दारा सिंह के साथ भी उनकी एक फिल्म आई थी हम सब चोर हैं, 1974 में शमी कपूर के साथ छोटी सरकार, 1974 में ही परीक्षित साहनी के साथ वंदना फिल्म की उन्होंने, 1974 में ही एक फिल्म आई थी गीता मेरा नाम, और ये वो फिल्म थी जिसका निर्देशन भी किया साधना ने। और देखा जाए तो यही आखिरी कमर्शियल हिट फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और फिरोज खान उनके साथ थे दोहरी भूमिका। और हाँ, एक फिल्म इंतकाम और एक भूल तो मालिए, ये फिल्में भी हम नहीं भूल सकते। बीमारी के कारण साधना अक्सर दुपट्टा गले पर लपेट लिया करती थी, और आपने देखा ही होगा वो अंदाज भी एक तरह से फैशन बन गया, और लड़कियां अधिकतर अपने गले में दुपट्टा उसी तरह से लपेटने लगी। साधना स्टाइल आइकॉन। और हाँ, हम आपको ये भी बता दें कि साधना के चाचा हरी शिवदासानी और उनकी बेटी बबीता वो भी मशहूर अभिनेत्री रही। यानी बबीता उनके चचेरी बहन थी, और बबीता भी काफी हद तक प्रभावित थी साधना से, और इसीलिए उन्होंने भी साधना स्टाइल अपनाया। आज साधना हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारी यादों में हमेशा हमेशा रहे। ऐसा जलवा